ये कि कल का जो पीसफुल रैली में जो पार्टिसिपेट करने वाला तो सब फ्रॉम ऑल सेक्शंस ऑफ पीपल इरेस्पेक्ट ऑफ ट्राइब कास्ट कम्युनिटी वो सब आ रहा है पार्टिसिपेट करेगा। ये जो कल का जो है वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट इकोनॉमिक ग्रोथ और पॉलिटिकल ग्रोथ ओनली वी से दैट वी आर deprived of having a delimitation right from the 2002 delimitation ko implement nahi kiya hai aur usko karna tha nahi kiya hai and now we are going to ye kal jo karne ja raha hai ki itna saal ho gaya dusra states mein to ho gaya india ka har state mein ho gaya except four states manipur assam nagaland and arunachal pradesh now असम चीफ मिनिस्टर वो नोट दे दिया एग्री कर दिया कि हाँ डिलिमिटेशन को कर सकता है वी डोंट हैव एनी ऑब्जेक्शन इसीलिए असम में वो लोग करने जा रहा है। तो नागालैंड मणिपुर का बारे में तो हम नहीं जानता है हुआ क्या नहीं हुआ बट अरुणाचल प्रदेश में जो है वैसा ही असम का असम गवर्नमेंट जैसा एग्री किया ऐसा देना चाहिए था बट डेट प्रोविजन डेट प्रिविलेज हैज नॉट बीन गिवन टू द ये अरुणाचल इसको अरुणाचल में ये किस लिए होगा तो क्या क्या फायदा होगा अरुणाचल का डिलिमिटेशन होने से आपका प्रोपोर्शनेट ये पॉपुलेशन जो है वो एक एमएलए कॉन्स्टिट्यूशन में कितना आदमी होगा वो आपका ये होगा क्योंकि अभी जो किसी में ज़्यादा है किसी में कम है तो किसी में 2000 में भी है किसी में 6000 में भी है तो ऐसा अगर प्रोपोर्शनेट होने से रिप्रेजेंटेशन होने से क्या होता है कि हर कॉन्स्टिट्यूशन में इक्वल अगर पॉपुलेशन होने से हम लोग का जो है इधर सेंट्रल गवर्नमेंट से आने से भी स्कीम उस्कीम आने से भी हम लोग का इसमें डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो ऑल पीपल विल गेट इन इक्वल शेयर तो ऐसा ही बैलेंस होगा तो एवरीथिंग अगर बैलेंस में करके जाने से अच्छा है हम लोग के लिए और डेट डेवलपमेंट विल कम ओनली आफ्टर द डिलिमिटेशन इज डन बट 2002 का डिलिमिटेशन और अदर डिलिमिटेशन उसका बारे में अलग अलग है क्योंकि 2002 में हम लोग का असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में प्रोपोर्शनेट पॉपुलेशन जो है एक एमएलए कॉन्स्टिट्यूशन में कितना होना है 6000 होना 4000 होना 2000 होना ये करके हम लोग का ये फिक्स करेगा। दूसरा डिलिमिटेशन है कि असेंबली में एमएलए का सीट बढ़ाओ तो एमएलए का सीट बढ़ाने से तो एमएलए का लेट पान से लेके ये तो अलग है और हर ये जो डेवलपमेंट तो वो अलग है तो यही है कि हम लोग का इक्वल प्रोपोर्शन होगा रिप्रेजेंटेशन होगा तो अरुणाचल में जो है हम लोग का जितना आदमी है वो प्रिविलेज होने से उस प्रिविलेज को सबको मिलेगा यही है आप। थैंक यू।